हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आ गया हूँ आपके साथ। जो हम तमिलनाडु की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे थे इकोनॉमिक्स में एनसीईआरटी की, उसी का नेक्स्ट लेक्चर लेके दो हमने दो टॉपिक्स या दो आप कह सकते हैं चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। जैसे हमने बेसिक का पहला चैप्टर कवर करा कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, माइक्रो क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कैपिटलिज्म सोशलिज्म क्या होता है। सेकेंड चैप्टर में हमने बेसिक टर्म्स समझे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जैसे जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है, लॉरेंस कर्व क्या होता है। ये सारी चीज़ें समझने के बाद अब हम आ गए हैं चैप्टर 3 में, जो बिट थ्योरेटिकल है, लेकिन ठीक है, कुछ बन सकता है इस पर, तो वो हम एक्सट्रैक्ट करेंगे क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू क्लासिकल इकोनॉमिक्स। आपको पता होना चाहिए कि दो इकोनॉमिक्स है, इसमें क्लासिकल इकोनॉमिक्स के जो फादर आप कह सकते हैं वो से है, और इनका एक से लॉ है। से लॉ क्या है? से लॉ सबसे पहले क्लासिकल इकोनॉमिक्स में से लॉ आता है। इनका एक फेमस लॉ है, वो कहता है कि सप्लाई सप्लाई इटसेल्फ क्रिएट्स इट्स डिमांड। क्या कहता है? सप्लाई इटसेल्फ क्रिएट्स अ लॉ। सेज लॉ क्या कहता है? समझते रहिए, बस अब कंसेप्चुअल है सारा, तो आपको एक बारी में समझ आ। सेज लॉ कहता है सप्लाई इटसेल्फ क्रिएट्स इट्स डिमांड, सप्लाई इटसेल्फ क्रिएट्स इट्स डिमांड। जैसे जैसे मान लीजिए सर, मान लीजिए एक पर्सन है ए, एक पर्सन है ए, ठीक है, ये बनाता है पेन। अब वो कह रहा है कि यार ये बंदा पेन बनाए, लॉ कहता है कि ये बंदा पेन कमाए बनाए, ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, ये सेल हो जाएगा, जिसकी वजह से इसके पास इनकम आएगी, और ये इनकम से दूसरी कुछ चीजें डिमांड कर पाएगा। ठीक, समझे? दोबारा समझो इस लॉ को, दोबारा आराम से समझो। सेल लॉ कहता है कि सप्लाई इटसेल्फ क्रिएट्स इट्स डिमांड, सप्लाई इटसेल्फ क्रिएट्स इट्स डिमांड। क्रिएट्स इट्स डिमांड मतलब मान लीजिए कोई पर्सन है ए, मान लीजिए कोई पर्सन है ए, ये प्रोड्यूस कर रहा है पेन, वो कह रहा है आप सप्लाई करो। ठीक है, इसने कहा सप्लाई कर दिया, ये ऑटोमेटिकली ये सेल होगा किसी को, ये सेल होगा, जहां से इसके पास आएगी इनकम, इस इनकम को ये कहीं ना कहीं तो स्पेंड करेगा, कहीं ना कहीं तो एक्सपेंस करेगा, ये कहीं ना कहीं तो चीजें डिमांड करेगा। मान लीजिए इसको चाहिए था अपने लिए कंप्यूटर, इसने डिमांड करा, इसने एक्सपेंस यहां पर करा। तो फर्स्ट लॉ कह रहा है कि यार इसने पेन प्रोड्यूस करा, सप्लाई करा, सप्लाई की वजह से ही तो ये डिमांड क्रिएट हो रही है, सप्लाई की वजह से ही जिसने पेन सप्लाई करा उसकी वजह से ही तो डिमांड क्रिएट हो रही है इकोनॉमी में, तो ये लॉ कन्फर कर रहा। इसमें डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि जितना एग्रीगेट सप्लाई थी उतना एग्रीगेट डिमांड, ये इसका प्रिंसिपल है। मतलब सप्लाई इसने पेन क्या करा 100 रुपए के, डिमांड भी है 100 रुपए की करे, डिमांड भी है 100 रुपए की करे, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, ये इसका काउंट। ठीक है, ये सेज लॉ है, सेज लॉ। अब इस सेज लॉ को काउंटर करा कीन्स के मॉडल ने, सेज लॉ को काउंटर करा कीन्स मॉडल ने, कीन्स मॉडल है। कीन्स कहता है यार ये जो तुमने बोला ना एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब अगर तुमने सप्लाई 100 रुपए की चीज ही करी है तो हो सकता है कि डिमांड क्रिएट हो ही ना, वो सेव कर ले यार, उसके पास आए पेन के पैसे, वो डिमांड ही ना करे। इससे एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड ऐसा कुछ नहीं होता, हमेशा मार्केट में ऐसा फंक्शन नहीं होता,
स्पेशली लेजेस फेयर पे, लेजेस फेयर मतलब फ्री मार्केट्स पे, लेजेस फेयर फ्री मार्केट्स। तो इन्होंने एक कंसेप्ट दिया, इन्होंने एक कंसेप्ट दिया कॉल्ड इफेक्टिव डिमांड। कॉल्ड इफेक्टिव डिमांड क्या होता है? इफेक्टिव डिमांड इसको समझो, कॉल्ड इफेक्टिव, ठीक है। अब समझो इफेक्टिव डिमांड का कंसेप्ट, इफेक्टिव डिमांड क्या होता है? मान लो इकोनॉमी में, इकोनॉमी में डिमांड 10% से राइज करेगी, डिमांड परसेंटेज वाइज ले रहा हूं, ठीक है, डिमांड 10% राइज करेगी। अब दो जनरल रूल क्या कहता है कि डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली प्राइसेस बढ़ जाते हैं, इन्फ्लेशन आती है, पर मैं कह रहा हूं अगर डिमांड 10% बढ़ी साइमल्टेनियसली मैं सप्लाई को भी 10% बढ़ा देता हूं, साइमल्टेनियसली मैं सप्लाई को भी 10% बढ़ा देता हूं, तो क्या अब कुछ इन्फ्लेशन में इफेक्ट आएगा? नहीं, जितनी डिमांड की उतनी सप्लाई मीट हो रही है, तो ये मीट हो रही है एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस मीट हो रही है। अब सर मान लीजिए कि डिमांड, सेकंड केस देखिए, डिमांड 10% से राइज हो रही है, डिमांड 10% से ही राइज हो रही है, लेकिन सप्लाई सिर्फ 4% राइज हुई, सप्लाई सिर्फ 4% राइज हुई, तो इफेक्टिवली सर क्या हुआ? 10% राइज और 4% राइज, जो 6% बचा ये इफेक्टिव डिमांड है, ये इफेक्टिव डिमांड है जो फुलफिल नहीं हो रही सप्लाई के इंक्रीज होने से भी, ये इफेक्टिव डिमांड है जो फुलफिल नहीं हो रही, इसके चक्कर में फुलफिल इसलिए नहीं हो रही क्योंकि सप्लाई इंक्रीज नहीं हो रही, ये इफेक्टिव डिमांड जो है ये मार्केट में इन्फ्लेशन क्रिएट करता है, ये मार्केट में इन्फ्लेशन क्रिएट करता है, इसी को हम कहते हैं 6% को इफेक्टिव डिमांड, इसी को कहते हैं हम इफेक्टिव डिमांड। दोबारा समझ लो, ठीक है, सब जैसे इकोनॉमी में डिमांड अगर 10% बढ़ी तो अगर मैं उसे मीट करवा दूं सप्लाई को 10% इंक्रीज से करवा के, तो इन्फ्लेशन में और प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा था, लेकिन अगर डिमांड 10% से बढ़ी है और सप्लाई सिर्फ 4% बढ़ी है, मतलब 6% इफेक्टिव डिमांड है जो मीट नहीं हो पा, जो मीट नहीं हो पाई, और जो मीट नहीं हो रही वो क्या करेगा? प्राइजेस पे इम्पैक्ट डालेगा और इन्फ्लेशन क्रिएट करे, और इन्फ्लेशन क्रिएट करा था। तो ये कीन्स ने मॉडल दिया था, ठीक है, कीन्स ने मॉडल दिया था। अब आपको इसका बेसिक समझ आ गया, अब चलते हैं पीपीटी में। देखो जैसे सेज लॉ है, तो अकॉर्डिंग टू सेज लॉ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, मतलब सप्लाई, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मतलब यहां पर सप्लाई को इंडिकेट कर रहा है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ठीक है, यही कहता है जनरेटेड फ्रॉम द प्रोडक्शन कैन बी यूज टू परचेज अदर गुड्स। सेम जैसे उसने पेन बनाया, पेन बना के उसने सेल करा, उसके पास इनकम आई, उसने कुछ और चीज डिमांड करी, तो सप्लाई ने अपनी एक डिमांड क्रिएट कर दी सेल्स लॉस कर। सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स इन्फ्लुएंस्ड बाय सेल्स लॉ फोकसेस ऑन पॉलिसीज दैट एनकरेज प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट सच एज टैक्स कट एंड डीरेगुलेशन, मतलब ये एम्फेसिस किस पे कर रहा है? प्रोडक्शन पे कर रहा है। सप्लाई तभी तो होगी जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, तो कह रहे हैं आप सप्लाई बढ़ाओ, उससे ऑटोमेटिकली इकोनॉमी की ग्रोथ इंक्रीज होगी, ये सेल्स लॉस का मेजर फंडा था। चलते हैं आगे, कीन्स ने क्रिटिक करा, ठीक है, सिंपल सी बात है, हमें पता चल गया कि यार एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड नहीं होता। कैसे? कीन्स चैलेंज अजम्पशन दैट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, आर्ग्यूइंग दैट एग्रीगेट डिमांड नॉट जस्ट प्रोडक्शन इज क्रूशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। वही सिंपल सी बात वो कह रहा है कि यार आपने सप्लाई क्रिएट कर भी दी, उसके पास पैसा आ भी गया जो पेन का मैन्युफैक्चरर था, तो जरूरी थोड़ा ना वो स्पेंड करेगा, वो डिमांड क्रिएट करेगा, हो सकता है वो जाके फिक्स डिपॉजिट करवा के आ जाए, हो सकता है वो स्टॉक्स में खरीद ले, किसी और चीज की डिमांड नहीं ना करे तो प्रोडक्शन इंक्रीज ही नहीं होगी। तो ये हर बार ट्रू नहीं होता सेल्स लॉ, सेल्स लॉ हर बार ट्रू नहीं होता, ये कीन्स ने कहा था अपने क्लासिकल इकोनॉमिक्स को क्रिटिक करते हुए, मतलब क्रिटिसाइज करते हुए। एम्फेसिस ऑन कंजम्पशन, कीन्स बिलीव दैट बूस्टिंग कंजम्पशन रेदर देन जस्ट प्रोडक्शन वॉज की टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। ओके, इसने दूसरा कहा
वो कहते हैं सप्लाई इंपॉर्टेंट नहीं है, डिमांड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मैं सप्लाई इंक्रीज कर रहा हूं पर मुझे डिमांड साइड का पता ही नहीं, तो क्या उसका मैटर ही नहीं है, क्योंकि अगर मेरे लिए प्रॉफिटेबल डील ही नहीं है, कोई खरीदने वाला ही नहीं है, तो मैं प्रोड्यूस करूंगा। डिमांड से हमेशा इकोनॉमी चलती है। मतलब अगर कंज्यूमर्स हाउस होल्ड डिमांड ही नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन नहीं होती। और ये सेम कोविड की सिचुएशन में हुआ था कि काफी एमएसएमईस को शटडाउन करना पड़ गया था, काफी रिटेल हाउसेस को स्मॉल को शटडाउन करना पड़ गया था, क्योंकि उस टाइम पे आप प्रोडक्शन तो कर भी लेते हैं लेकिन डिमांड ही नहीं थी। लोग लॉकडाउन था, घर पे थे, तो डिमांड तो चीज हो ही नहीं रही थी, तो रेगुलर बेसिस पे डिमांड नहीं हो रही थी इसलिए प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे आपका वो फॉर्मूला जो एग्रीगेट इज सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड है सेल्स लॉ का, वो नलीफाई हो जाता है एक तरह से। ठीक है, तो ये सारा कीन्स मॉडल का सिस्टम था। करते हैं कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड का कंसेप्ट जैसे सेम सिमिलर हमने कंसेप्ट पढ़ा कि यार सिंपल सी बात है, अगर डिमांड को 10% इंक्रीज कर देते हैं और सप्लाई साइमल्टेनियसली मीट कर रही है 10% इंक्रीज से, तो इन्फ्लेशन पे इंपैक्ट ही नहीं आएगा। क्योंकि मैं अगर डिमांड कर रहा हूं, मान लीजिए मैं कहीं गया इकोनॉमी में, मान लीजिए एग्जाम्पल सिर्फ एक एप्पल, और मैं और मेरा दोस्त एप्पल खरीदने गए, हम दोनों को एप्पल चाहिए। मैंने डिमांड करा मुझे एप्पल चाहिए, उसने कहा उसने एप्पल चाहिए। दुकानदार कहता ठीक है जो ज्यादा पैसे देगा मैं उसको एप्पल उसको दे दूंगा। मैंने बोली लगाना शुरू करा, सिंपल सी बात है, मैंने कहा मैं 10 दूंगा, मेरे दोस्त ने कहा 20, मैंने ऐसे करके 30, वो कहता 40, 50, 60, 70, जितने भी जा रहे हैं। मान लीजिए 90 पे मैंने एंड करा और 90 पे मुझे मिल गया। तो क्योंकि चीज सिमिलर थी, लिमिटेड सप्लाई में थी, एप्पल एक ही था वो लिमिटेड सप्लाई में, लेकिन डिमांड करने वाले लोग दो हैं, इसलिए उसका प्राइस इन्फ्लेट हो गया। तो जब इन्फ्लेट होता है, जब लिमिटेड सप्लाई हो, जब लिमिटेड सप्लाई होगी तो ऑटोमेटिकली जो है प्राइस इन्फ्लेट कर जाता है। लेकिन एग्रीगेट या फिर आप इफेक्टिव डिमांड में क्या कह रहे हैं कि यार अगर 10% इंक्रीज हो रही है डिमांड तो सप्लाई को मीट करवा देते हैं, लेकिन वो इफेक्टिव डिमांड नहीं है। मान लीजिए डिमांड 10% इंक्रीज हो रही है और सप्लाई सिर्फ 4% इंक्रीज हुई है, तो रिमेनिंग 6% जो है वो इफेक्टिव डिमांड है। रिमेनिंग 6% इफेक्टिव डिमांड है जो इन्फ्लेशन को ऊपर लेके जाएगी, जिसे हम कहते हैं गैलपिंग इन्फ्लेशन, जिसे हम कहते हैं गैलपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आ गई। अब कीन्स का एक कंजम्पशन साइकोलॉजी है, कंजम्पशन साइकोलॉजी बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत बढ़िया कंसेप्ट इसने दिए। वो कहता है ठीक है हम एक पर्टिकुलर एक्सपेंस करते हैं अपने बजट से ताकि हम कुछ खाना पीना ले पाए, राशनिंग जिसे कहते हैं, राशन के लिए। कहता है लेकिन विद इंक्रीज इन इनकम, विद इंक्रीज, मान लीजिए जैसे पहले आपकी इनकम 10 रुपए थी, पहले आपकी इनकम 10 रुपए थी, दस रुपए में से आप 5 रुपए खाने में खर्चते थे, अब आपकी इनकम 100 रुपीज हो गई है, 100 रुपीज हो गई, लेकिन अब आप खाने में 10 रुपीज खर्च रहे हैं। मतलब अर्लियर इज यूज टू बी 5/10 × 100, दैट इज 50%। अब कितना है यहां पर आप खर्च रहे हैं, ट्वेंटी, 20/100 × 100, दैट इज 20%। अब कंजम्पशन लॉ क्या कहता है, कंजम्पशन लॉ क्या कहता है कीन्स का कि यार पहले आपकी इनकम कम थी, पहले आपकी इनकम कम थी, तब आप 50 रुपए खर्च, 50% अपनी इनकम का खाने में खर्चते थे, दैट इज फूड एक्सपेंसेस। लेकिन जैसे ही आपकी इनकम इंक्रीज हुई, आपकी इनकम इंक्रीज हुई 200 रुपीज, यू आर जस्ट स्पेंडिंग 20% ऑफ योर इनकम ऑन फूड। तो ये क्या हो रहा है, जितना प्रपोर्शन में आपकी इनकम बढ़ी उतने प्रपोर्शन में आपका एक्सपेंसेस, फूड एक्सपेंसेस नहीं बढ़ा। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि एक कंसेप्ट होता है मार्जिनल यूटिलिटी का। यूटिलिटी का कंसेप्ट कितना क्या होता है, वो बचपन में आपने कंसेप्ट सुना होगा गोलगप्पे का, कि जब आप सबसे पहले बाइट लेने गए गोलगप्पे की, तो आपकी इंटेंसिटी बड़ी, यूटिलिटी बड़ी हाई होती है, मतलब बहुत मजा आता है पहले बाइट पे। धीरे धीरे जितनी बाइट्स बढ़ती रहती है तो आपका इंटेंसिटी मतलब यूटिलिटी कम होती रहती है, तो यूटिलिटी कम है, फिर उसके बाद आप एक्सपेंडिचर नहीं करते। सेम इसमें कंसेप्ट है यार, इंसान की भूख तो उतनी है, बेसिकली हो सकता है कि शायद इनकम कम हो तो अभी वो कम खर्चेगा, लेकिन बढ़ने के बाद वो उतना ही खर्चेगा जितना, जिससे उसके सेटिस्फेक्शन मिले, फुल सेटिस्फेक्शन मतलब पेट भर जाए, उससे ज्यादा तो नहीं खरीदेगा। हो सकता है पूरी फैमिली की डिमांड हो 5 kg पोटैटो, ये ऐसा तो होगा नहीं इनकम बढ़ने के बाद वो 50 kg पोटैटो लेके आ जाए घर पे, ये तो कोई लॉजिक नहीं बना। तो सेम
कि इनकम जितने प्रपोर्शन से बढ़ रहा है उतने प्रपोर्शन से फूड एक्सपेंसेस नहीं बढ़ रहा, ये कहता है कीन्स की कंजम्पशन साइकोलॉजी। आप एग्रीकल्चर में देख लीजिए ना, किसी की भी इनकम बढ़ने से एग्रीकल्चर में इनकम नहीं बढ़ रही, तो वो एक मेजर क्लॉज है जो WTO वगैरह करेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, तो ये लॉजिक समझ आया कंजम्पशन साइकोलॉजी का। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कीन्स थ्योराइज दैट एज इनकम राइजेस द प्रपोर्शन ऑफ इनकम कंज्यूम्ड टेंड्स टू डिक्लाइन। हाँ, प्रपोर्शन ऑफ इनकम कंज्यूम मतलब परसेंटेज कम किसी का, पहले आप अपनी इनकम का 50% खर्च रहे थे, उसके बाद आप 20% पे आ गए, तो सेम कह रहा है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम हो जाती है। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपेक्टेशन, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, कीन्स बिलीव दैट कंजम्पशन इज प्राइमरी डिटरमाइंड बाय द एब्सोल्यूट लेवल ऑफ इनकम रेदर देन रिलेटिव इनकम और एक्सपेक्टेशन। ठीक है, आपकी एब्सोल्यूट इनकम से बनती रेदर देन रिलेटिव से। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एम्फेसाइज द रोल ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज हैबिट्स एंड अनसर्टेनिटी इन शेपिंग कंजम्पशन बिहेवियर। बिल्कुल, हैबिट्स के ऊपर काफी डिपेंड करता है आपकी कैसे है। ठीक है, उसके ऊपर आपकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम काफी ऊपर डिपेंड कर जाती है। जैसे अगर आपको, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी कोई वेगन है तो वेगन थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन अगर कोई नॉन वेज काफी ज्यादा उसको पसंद है खाने का तो उसका एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, थोड़ा सा परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा। तो हैबिट्स भी डिटरमाइन करती है कि कितना आपका एक्सपेंडिचर होगा। आई होप आपको एक कीन्स का लॉ समझ आ गया, कंजम्पशन साइकोलॉजी की, कंजम्पशन साइकोलॉजी का समझ आ गया। ठीक, कीन्स के कुछ और सर्टेन बिलीफ्स जो हमें इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, वो है फिस्कल पॉलिसी। कीन्स सपोर्ट करता है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग एंड टैक्स पॉलिसी, इसको हम कहते हैं फिस्कल स्टिमुलस। फिस्कल स्टिमुलस कीन्स इसमें कीन बिलीवर थे कि फिस्कल स्टिमुलस होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना चाहिए फॉर ग्रोथ। जैसे स्पेंडिंग इंक्रीज कर दी, फिस्कल स्टिमुलस कर दिया, टैक्स पॉलिसी को कम कर दिया ताकि डिमांड बढ़े, जब लोगों के पास पैसा रहेगा तभी डिमांड बढ़ेगी, इसको फिस्कल स्टिमुलस कहते हैं, फिस्कल स्टिमुलस कहते हैं। ठीक है, और इसको बूम पीरियड में भी यूज किया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी में भी था कि RBI सेंट्रल बैंक का इफेक्टिव रोल होना चाहिए, और फुल एम्प्लॉयमेंट में भी था, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी शुड एम टू अचीव एंड मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट एंड दिस वुड लीड टू ग्रेटर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। अब फुल एम्प्लॉयमेंट तो प्रोस्पेरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट एक वेग कंसेप्ट है जो किसी भी इकोनॉमी में फुलफिल नहीं होता। वहां कुछ ऐसे लोग होंगे जो काम नहीं कर रहे होंगे, ऑब्वियसली लेबर फोर्स अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे लोग होंगे जो काम नहीं कर रहे होंगे। फुल एम्प्लॉयमेंट एक तरह से अनअचीवेबल टास्क है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, किसी भी गवर्नमेंट के लिए। सिंगापुर में एक टाइम पे क्लोज टू था, पर वहां पर भी फुल एम्प्लॉयबिलिटी नहीं थी। तो ये कुछ कीन्स के बिलीव है जो हम यूज कर सकते हैं अपने आंसर। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, बाकी के लिए नेक्स्ट। थैंक यू।